बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे, सब लोग नमस्ते बोलेंगे सर को। नमस्ते सर, वेलकम टू अवर क्लब। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वॉइस आर यू क्लियर मेरी? यस सर, इट इज क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। मैं परिची का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर, और पूरे हर्बल लाइफ का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ इन्वाइट किया है और मुझे बुलाया है और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया है। सबसे पहले तो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो पहला सुख निरोगी काया, जो आप हर्बल लाइफ वाले परिवार वाले ये कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, का जो न्यूट्रिशन देकर बच्चों को, बड़ों को, सभी को इससे हेल्प मिल रही है, तो इसलिए हर्बल लाइफ परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं कामना करता हूँ जो यहाँ क्लब है वो सभी हर्बल लाइफ में आगे बढ़े और अपना नाम अच्छा कमाए। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं दिनेश मंडा, उदयपुर राजस्थान से हूँ और मेडिटेशन वर्ल्ड मेरी फर्म है और इसी का मैं फाउंडर भी हूँ। थर्ड एक्टिवेशन, आपने नाम सुना है या नहीं सुना है तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जापान के द्वारा बनाई गई है। जापान में पिछले 57 ईयर्स से सभी बच्चे इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी से बच्चे की थर्ड एक्टिव हो जाती है, बच्चे का इंटेंशन पावर, बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चे की पिक्टोरियल मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट जो इस थर्ड एक्टिव होने की वजह से मिलते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये 5 से 15 साल के बच्चों के लिए होती है, उनमें बहुत जल्दी ये थर्ड एक्टिव हो जाती है। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा जो आंखों पर पट्टी बांध करके बुक को रीड कर रहे हैं, कलर पहचान रहे हैं, करेंसी के नंबर बता देते हैं, बहुत जने साइकिल भी चला लेते हैं आंखों पर पट्टी बांध करके, तो ये उसी टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। ये होता कैसे? हमारे पीनियल ग्लैंड होती है, हमारे जो मेडिटेशन के म्यूजिक होते हैं और हमारी क्लास होती है जो पूरी वीडियो फॉर्मेट में होती है, जिसमें कुछ ब्रेन एक्सरसाइज होती है, ब्रेन जिम होते हैं, त्राटक इमेज है, आई एक्सरसाइज है, विजुलेशन की वीडियो है, इस टाइप सारी चीजें मिलाकर और एक म्यूजिक होता है जो मेडिटेशन म्यूजिक होता है, वो बच्चों को सुनाया जाता है आंखों पर पट्टी बांध करके। इससे बच्चों की थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, इनका सिक्रेशन गिर जाने की वजह से बच्चों को, इनको क्या हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन इनका सिक्रेशन लेवल गिरने से बच्चों में खुशियों की कमी हो जाती है, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजों की वजह से बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बच्चों की मेमोरी लॉस हो जाता है, और ये सब होता है हमारे केमिकल की वजह से। आज जो जितना भी हम जंक फूड वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, इसकी वजह से इन हार्मोन्स का सिक्रेशन लेवल डाउन होता है। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम बच्चों के हार्मोन्स का लेवल 120 पीजी तक पहुंचाते हैं, जिससे उनकी थायराइड एक्टिव होती है और बच्चों की मेमोरी, सबसे ज्यादा बच्चों की मेमोरी बढ़ती है। जो बच्चे लर्न करते हैं 1 घंटे में, वो 15-20 मिनट में बच्चों को याद होना स्टार्ट होता है। बच्चे जो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी क्लास लेने के बाद बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट करने लग जाते हैं। बच्चों की बैड हैबिट जैसे मोबाइल देखना, टीवी देखना, इन चीजों में भी काफी कमी आती है। बच्चे जिन्हें बहुत से जिन लोगों चश्मे लगे होते हैं, उसमें भी इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनके चश्मे के नंबर कम हो जाते हैं या चश्मे के नंबर भी हट जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी करने के कारण से बच्चों के एग्जाम में रिजल्ट काफी सुधरते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जैसे आज बच्चों ने हमारी इस क्लास को लिया, तो इसका बेनिफिट सिर्फ अभी के लिए नहीं रहता है, ये बरसों बरसों तक बेनिफिट मिलता रहता है। जैसे आज हम कोई ट्यूशन क्लास कराते हैं तो ज्यादा ज्यादा बेनिफिट कितना मिलता है? 1 मंथ 2 मंथ का। लेकिन इस क्लास को लेने पर, एक बार थर्ड एक्टिव होने के बाद, इसका बेनिफिट बच्चे वर्षों तक उठा सकते हैं, 10 साल 20 साल 25 साल तक भी। अगर हम उनको जो एक्सरसाइज बताते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी वो करते रहेंगे, तो उनका बेनिफिट लाइफ टाइम तक भी उठा सकते हैं, क्योंकि तो एक बार जो थर्ड एक्टिव हो जाती है वो वापस नहीं जाती है। बच्चे आंख पर पट्टी बांध करके देखना, कलर पहचान लेना, करेंसी के नंबर बता देना, सामने वाले की पर्सनैलिटी बता देना, और बहुत से लोगों में इस फ्यूचर का भी ज्ञान होने लग जाता है बच्चों को इस टेक्नोलॉजी की वजह से। इसके अलावा हम करियर गाइडेंस के बारे में भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, बच्चे को कौन से लर्निंग पैटर्न यूज करना चाहिए जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें।
अलग अलग क्लास का हमारा अलग अलग लेवल से ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो करियर को गाइडेंस करता है। इसी बच्चों के लिए नहीं होता, बड़ों के लिए होता है, सभी के लिए है। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, ग्रेजुएट लोगों के लिए है, 11-12 के बच्चों के लिए भी है, एटलाइन के बच्चों के लिए भी है, 6-7 के बच्चों के लिए है। तो सभी के लिए हमारा एक टेस्ट होता है जो लगभग 1.5 घंटे का टेस्ट होता है। उसके आधार पर रिपोर्ट जनरेट होती है, उसके आधार पर करियर काउंसलिंग हमारे द्वारा की जाती है और सजेस्ट किया जाता है बच्चों को क्या करना चाहिए, आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या बड़ों को कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस उनके ज्यादा बेटर रहेगा, अगर कोई ग्रेजुएट कर रहा है कर लिए तो उसको कौन से जॉब में जाना चाहिए, इस तरह का सारा करियर काउंसलिंग में भी हमारा ये आ जाता है। मेन जो हमारी जो क्लास जो बनी हुई है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसको हम थर्ड आई एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन, ये सब कहते हैं, ये हमारी पूरी क्लास रिकॉर्डेड क्लास बनी हुई है जो प्ले स्टोर पे हमारे अवेलेबल है। ये मेडिटेशन वर्ल्ड के नाम से हमारा प्ले स्टोर है, एप्लीकेशन है, उस पर हमारी क्लास रहती है। बच्चे आराम से कभी भी कोई टाइम का इश्यू नहीं होता है इसमें, बच्चे सुबह दोपहर शाम रात जब भी बच्चा फ्री है हमारे क्लास को कर सकते, कोई टाइम का इश्यू नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है अगर घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं तो दोनों बच्चे एक ही हमारे फीस में वो कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग फीस भी पे नहीं करनी होती है। यस, मेडिटेशन वर्ल्ड, यस, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं उसकी पूरी आपको जानकारी दूंगा, वन बाय वन आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग हैं जो बच्चों को लेकर, उनके करियर को लेकर या उनके मेंटल हेल्थ को लेकर कोई भी चैलेंज आप फील करते हैं उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आप सर से पूछे जाते हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पर स्पॉटलाइट करेंगे और आपको बोलने का मौका देंगे, सर आपको उसका आंसर यहाँ पर डेफिनेटली करने वाले। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनीवन? ओके, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है सर, तो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस का बेनिफिट सबको लगेगा। यस, सपना त्यागी ने यहाँ पर हैंडल किया है, सपना जी यहाँ पर मीट करेंगे और अपना सवाल रखेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मेरा बेटा है वो 11 में चल रहा है सर, मुझे लगता है मतलब वो काम कर लेगा अच्छी तरह से, लेकिन अगर मैं उसके पीछे मतलब बहुत टाइट रहूंगी तो वो कर लेगा इजीली, मतलब ये भी नहीं लगेगा कि इससे नहीं हो रहा, और नहीं तो सर वो ऐसे करेगा जैसे मतलब ये होगा नहीं इससे, तो सर मतलब वो ऐसे भी करता है जैसे अपनी मतलब यहाँ तक भी जो उसका स्कूल का सामान रहता है पास में रखा रहेगा, ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, तो कहेगा मम्मी मेरी ये कॉपी नहीं पा रही, वो नहीं पा रही, चाहे उसके पास में रखे उसे छोड़ के चला जाएगा, थोड़ी देर बाद में देख रही हूँ वो वहीं पे रखी है। सर उसे ये चीजें मतलब याद नहीं रहती, पेंसिल भी चाहे उसके पास ही रखी है, मैंने कहा अपना पूरा बैग कवर कर लिया लगा लिया, उन्होंने कहा हाँ जी, तो मैं देखूंगी कि पेंसिल छोड़ के चला गया, स्कूल से मुझे फोन आ रहा है सर मुझे ये सब मतलब प्रॉब्लम है बच्चे से। मैम जो हमने बताया हमारी क्लास 5-15 मिनट से बच्चों के लिए होती है, लेकिन ये बड़ों के लिए भी काम करती है, बड़े जैसे हमारी जो म्यूजिक और त्राटक इमेज और आई एक्सेल होती है तो 15 साल के बड़े वाले बच्चे भी करते हैं, तो उनको भी काफी हेल्प मिलती है मेमोरी बढ़ने में, बच्चे के ऊपर बच्चों की मेमोरी, बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर वगैरह, ये सब बड़ों को भी हेल्प मिलती है। आप हमारी क्लास ले गई तो अगर उसको भी बेनिफिट मिलेगा, उसकी मेमोरी का जो इश्यू आ रहा है आपको वो सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ उन बड़ों में होता है तो उनको आंखों पर पट्टी बांध करके जो बताते हैं बच्चों को दिख जाता है, वो बड़ों को नहीं हो पाता जो 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को, लेकिन डिप्रेशन वगैरह है, इमोशनल लेवल ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, तो इन सब चीजों में काफी बेनिफिट मिलता है। सर ऐसा है मतलब उसकी आदत है, अगर आप उसे 1 साल के बच्चे के साथ छोड़ोगे ना वो पूरा दिन मतलब उसे ये नहीं पता कि मैं मतलब 1 घंटे खेल लिया या बाहर भी जा रहा है, मुझे 1 घंटा हो गया, मुझे घर भी जाना है, मतलब वो पूरा दिन वहीं पे स्पेंड कर देगा, और फिर उसके बाद में डरेगा भी कि मम्मी मतलब मुझे डांटेंगी या मारेंगी, उस चीज का भी उसे डर रहता है, ये नहीं कि वो डरता नहीं है, लेकिन ये चीजें मतलब वो नहीं करता जिस हिसाब से उसकी एज है। देखो 10 का होकर 11 में चल रहा है, कोई एज नहीं है कि छोटा बच्चा है, तो सर मुझे बस ये प्रॉब्लम है उससे, ये दिक्कत है सर। आप उसका हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो उसके लिए भी है, आप वो भी कराइए, उसके करियर गाइडेंस वगैरह और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीजें हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट में आ जाती है, ठीक है ना? तो आप उनको हमारी क्लास भी कराइए और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो करियर गाइडेंस वाला है वो दोनों कराइए, उसको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड, सुंदर से क्लैपिंग करेंगे सपना त्यागी के लिए, उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा।
नमस्ते जी सर, मेरा ये नाती है 5 साल का है, उसको चश्मा लग गया है सर, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने बताया था हमारी क्लास से बच्चों के चश्मे के नंबर भी रिमूव होते हैं, उसके जो नंबर अभी कितना नंबर आ गया है बच्चे का? नंबर 2.5 है, तो इसका थोड़ा धीरे धीरे रिमूव होगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। इसको हमारी क्लास कराएंगे तो इसके चश्मे के नंबर भी रिमूव होंगे, इसकी पढ़ाई में भी काफी हेल्प मिलेगी, इसके जो मेमोरी कंसंट्रेशन पावर वगैरह ये सब भी इसको काफी बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे चश्मे का नंबर भी इसका उतर जाएगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं सरोज महाराज के पास, शिव प्रसाद जी कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मैं सर पटना से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिया हम लोग को। सर एक मेरा बेटा है, तो कोरोना काल के पहले, कोरोना आने के पहले, तो वो मतलब पढ़ाई लिखाई में जैसे कोई भी कैलकुलेशन बिना कुछ कैलकुलेट किए पेपर पर लंबे लंबे कैलकुलेशन वर्बली बता देता, बहुत अच्छा एहसास था उसका। लेकिन जैसे कोरोना आया, लोग सोशल मीडिया की पढ़ाई करना शुरू किए, तो भी कैलकुलेशन तो लंबा बंद करके बता देता है, लेकिन वो अभी भी कोटा में गया कोचिंग करने, वो पेपर पर पेपर वर्क बहुत कम करता है, उसको टीचर भी कहते कहते थक गए बहुत कि तुम अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो पेपर पर तो बहुत आगे जाओगे, लेकिन किसी का बात नहीं माना। वो मतलब मन में घरवाली करके कम्प्लीट करता हो और हम लोग थक गए लेकिन मानता नहीं हो, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसको? एक बार कौन सी क्लास में अभी हो? अभी सर 12 करके कोटा में तैयारी करने गया है। अच्छा अच्छा, एक बार उसने कैरियर काउंसलिंग का टेस्ट कराइए आप, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है, उस टेस्ट से हम बाद में आगे गाइडेंस करेंगे आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट कराइए, उसमें हम पूरा 1.5 घंटे का हमारी उसका क्वेश्चन आंसर होता है, उसका पूरा टेस्ट देना होता है, उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होती है, उसके बाद हम आगे आपको सजेस्ट करेंगे उसके लिए क्या करना बेटर रहेगा। नमस्ते जी। सर मेरा बच्चा 6.5 साल का है, ट्विंस बेबी है, तो एक तो जो है अपना स्कूल का काम हाथों हाथ कर लेगा स्कूल से आते आते ही, और एक बच्चा है उसे कितने बार भी लेके बैठ जाओ वो बैठेगा, बुक लेके फिर कहेगा मिली ही नहीं है, और मिल भी गई तो वो मिनटों में कब बात घुमा के कब बाहर भाग जाए कोई पता नहीं है। ये अभी से एक्टिविटी है, वैसे पढ़ने में और चीजों में तेज है, लेकिन कोई भी बात पूछने या बताएंगे ना तो कुछ ना कुछ अलग से बताना शुरू कर देगा, तो उसके लिए क्या करें सर? हमने जो क्लास बनाई है बच्चों की इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए और जो क्लास को हमने डिजाइन किया है, बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही हो रही है क्या, तो आप हमारी क्लास देंगे तो उसकी आपकी प्रॉब्लम वाकई में सॉल्व हो जाएगी उसकी, और पढ़ाई में भी काफी अच्छा हो जाएगा और रिजल्ट भी उसके काफी सुधर जाएंगे, बच्चे की लर्निंग स्पीड, रीडिंग स्पीड, और जो बच्चा भी ध्यान नहीं दे रहा, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, हमारी क्लास लेने के बाद आपको काफी उसको हेल्प मिलेगी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। यस सर, मेरी बच्ची 7 साल की है और उसको ये प्रॉब्लम है, पहले लगभग 2.5 साल पहले उसको ना एक बार जैसे कहते हैं कि 2.5 साल पढ़ने की प्रॉब्लम उसको हो गई थी, तो उसके बाद से उसको एक बार और भी, और उसके बाद से उसकी ना मेमोरी इतना वीक हो चुकी है कि वो समझ तो सब कुछ आती है लेकिन उसको हम बहुत चाहते हैं कि ये याद करे या ये काम करे, तो उसको कुछ देर के लिए तो समझ जाएगी, कुछ देर के बाद वो सब हो जाएगा उसका। सर बहुत परेशान हूँ मैं, उसका एडमिशन भी बल्कि इंग्लिश मीडियम से चेंज कराना चाह रही हूँ, मेमोरी लॉस होता है, बच्चे डिप्रेस होते हैं, तो हमारी क्लास का मेन उद्देश्य ये इसका सिक्रेशन लेवल को अप करना, तो सारा हमारे म्यूजिक के सारे और हमारे क्लास के सारे होता है, तो आप किस हमारी क्लास को दीजिए तो बच्चे को काफी हेल्प मिलेगी और बच्चे की मेमोरी काफी इंक्रीज होगी। सर उसके साइड से बहुत स्ट्रेस में रहते हैं हम दोनों पेरेंट्स। जी जी, इस क्लास से सर ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद आप देखेंगे 15-20 दिन में ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट चलते हैं हम, रूपा देवी। रूपा देवी ने हैंड रेज किया है, रूपा जी एडमिट करेंगी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं रूपा देवी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ सर। मेरा एक बेटा है सर 3 साल का, उसको होता है
तो ऐसा बुखार हो जाता है 104 डिग्री 105 डिग्री का बुखार एक बाइक हो जाएगा उसको। और जब बुखार होगा तो हाथ पैर आंखों को पूरा ऐसे पलट देगा आंख, और हाथ पैर पूरा टाइट कर देगा और पूरा लगेगा कि ये नहीं है, ऐसे हो जाता है उसको। उसके बाद जब होश में लाया जाता है उसको तो ऐसा होता है कि कितना मुंह पट्टी डालो कितना दवा सुई दो उसको जल्दी से बुखार नहीं उतरता है। उसके बाद एंटीबायोटिक भी चलता है, बुखार का भी दवा चलता है, तब भी जल्दी नहीं सुनता है उसका। वो जब तक उसका बुखार रहेगा तब तक 10-15 दिन तक बुखार ऐसे ही आएगा और जाएगा। मैम इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं है, ये तो डॉक्टर ही इलाज ही हो पाएगा, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रूपा जी इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके बच्चे की जो भी टेस्ट रिपोर्ट है वो आप अपने अंकुश को शेयर करें। ओके, यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं कि अगर बच्चे को फिट्स आते हैं फीवर के साथ में तो न्यूट्रिशन वैल्यूज डाउन हो सकती हैं, उसके लिए आपके कोच सजेस्ट करेंगे, और उसके खाने पीने में क्या रूटीन आपको चेंज करना है वो आपके हेल्थ कोच आपको सजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये आपने करना। बाकी आप रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी वाइफ एमबीबीएस डॉक्टर ही है, मैं आपको दिखा दूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा क्या करना चाहिए। वो लगता है कि नहीं है, इतना रोना इतना रोना होता है कि एकदम परेशान हो जाती हूँ मैं, तो उसी के चलते मैं उसको जब देखी इस हालत में तो मेरे को हार्ट का बीमारी हो गया। आप रिपोर्ट सेंड कीजिएगा, मैं वहीं पर दिखा दूंगा। आप रिपोर्ट सेंड कीजिए रूपा जी, उसको देखकर यहाँ से और सर की तरफ से दोनों से सजेशन ले जाएगा, क्योंकि जो मैम है वो एमबीबीएस डॉक्टर है तो आपको डेफिनेटली कुछ सजेस्ट करेंगे। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ, 12 साल का है, 6th क्लास में पढ़ता है सर, उसे बोलने की बहुत दिक्कत है। बोलता बहुत है जी सर, पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करता है, टीचर बोलते कि कर लेगा पर वो करता नहीं है, बताने से क्या प्रॉब्लम है, हर चीज भूल जाता है। भूल जाता है, एक तो कंसंट्रेशन पावर की कमी है उसमें, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ाई में, और दूसरा मेमोरी का इश्यू आ रहा है। ये सभी बच्चों की आज की कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, मेमोरी का बहुत इश्यू आ रहा है। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं याद नहीं रहता, एग्जाम देने जाते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, जब मैंने क्या याद किया वो सब भूल जाते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारी है, इस टाइप की हो रही है सभी बच्चों में, तो हमारी क्लास करिए, काफी हेल्प मिलेगी इसको मेमोरी वगैरह। अच्छा करता है जी, बट पढ़ाई में ही कमजोर है, पढ़ाई को लेकर मैं परेशान हूँ। बिल्कुल मैम, हमारी क्लास इसलिए बनी है पढ़ाई में बच्चों की हेल्प मिले जी, तो बच्चे अच्छे से याद कर पाए, कंसंट्रेट कर पाए, उनकी पिक्टोरियल मेमोरी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब उनका बढ़े, इसी के लिए हमारी क्लास बनाई गई है जी। ठीक है सर, और इसका बेनिफिट बच्चों को बरसों तक मिलता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 महीने 4 महीने मिलेगा, इसका बेनिफिट बच्चों को 5 साल 10 साल 20 साल मिलता ही रहेगा। सर मेरे बेटे में बस यही प्रॉब्लम है, उसे भूलने की इतनी दिक्कत है, छोटी छोटी बात भूल जाता है, मैं बोलती हूँ तभी याद आती हूँ उसे। बिल्कुल मैम, हमने बताया हमारी क्लास करिए, उसको काफी बेनिफिट मिलेगा जी। थैंक यू सर, की मेमोरी आपकी दूर ये दूर हो जाएगी इसकी प्रॉब्लम। थैंक यू नीलम जी। वन मोर क्वेश्चन तो मिलते हैं गोल्ड प्रवीण, आप अनम्यूट करेंगे, आपका सवाल पूछ सकेंगे। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मेरा लड़का है 8-8.5 साल का, उसको भी चीजें याद नहीं रहती, कंसंट्रेट नहीं कर पाता वो पढ़ाई में भी, खेल में रहता है उसका, बस खेलने में लगा रहता है। मैडम आपकी वही सेम प्रॉब्लम है जो उनकी भी है, आप हमारी क्लास करिए, बच्चों को काफी बेनिफिट मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हमारा जो कोर्स होता है 1.5 महीने का, मतलब अल्टरनेटिव करना होता है, बच्चों को 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना होता है, टोटल 1.5 से 2 महीने में कोर्स कम्प्लीट हो जाता है, और 6 मंथ की हम वैलिडिटी देते हैं। लेकिन आज हमने परिसर ने यहाँ बुलाया है और सभी से इंट्रोड्यूस कराया है, तो मैं कहना चाहूंगा जिस हम क्लास की जो रेट लेते हैं 3000 लेते हैं, लेकिन परिसर ने यहाँ बुलाया है, तो मैं जो हर्बल लाइफ परिवार है उनके बच्चों से 3000 नहीं लेकर मात्र 2000 रुपये ही लूंगा मैं। बहुत बढ़िया, सुंदर जी क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए, अमेजिंग। सो अभी हम लोग सबके क्वेश्चन कॉमन है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, कि ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनको एक ही आज की डेट में समस्या है, स्पेसिफिकली आफ्टर कोरोना, के बच्चों का जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाइयां शुरू हुई और यू नो चीजें याद नहीं रहती है। तो मैं सभी लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, सबने अपनी ऐप के बारे में बताया है, मेडिटेशन वर्ल्ड के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप है, इसको डाउनलोड करिए। सर का नंबर ऑलरेडी हमने यहाँ चैटबॉक्स में लिखा है और उस नंबर को हम आपके ब्रॉडकास्ट में भी डालेंगे, ताकि आप सबसे डायरेक्टली संपर्क कर सके, जो भी आपकी समस्या है, क्योंकि यहाँ आप शॉर्ट में बता पाएंगे, आप सर के साथ में बैठेंगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और बच्चे को भी साथ में बैठा सकते हैं, सो दैट वो उनकी पूरी प्रॉब्लम को समझ सके। ऑलरेडी सर ने बताया कि कोई कोर्स है उनका जो बच्चों को कराते हैं, और थैंक यू सो मच सर, आपने ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को ऑफर दे दिया है, तो हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल आपके लिए कि आपने बिना कहीं ऐसा कुछ किया। सो जितने भी हैंड रेज है, अगर आपका कोई सवाल है, क्योंकि समय भी फिनिश हो रहा है, तो
तो आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन आप हमें चैट बॉक्स में भेज देंगे, अभी भेज देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, वो क्वेश्चन हम सर के पास पास ऑन करेंगे और उनका नंबर भी हम आपको शेयर करेंगे, सो दैट आप डायरेक्टली उनसे बात करके किस प्रोसेस से आपके बच्चे को वो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि वो इस चीज के एक्सपर्ट है। ओके, यहाँ पर वो भी पूरी प्रॉब्लम को शायद पूरा एक्सेस ना कर पाए, तो जब आप उनसे बात करेंगे 5 से 10 मिनट आपकी काउंसलिंग सेशन होगा, तो आपको स्पेसिफिकली कौन से प्रोसेस को अपनाना चाहिए आपके बच्चे के लिए और उनका कोर्स किस तरह से हेल्प करेगा वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। आई थिंक सो दिस विल बी अ बेटर आइडिया, सो थैंक यू सो मच।